हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दी न्यूरॉन। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं इनफॉर्म कंसेंट इन फील्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम इनफॉर्म कंसेंट की। ठीक है, देखो बिल्कुल जी तरीके से अगर हम प्रयास करें समझने का, तो इनफॉर्म कंसेंट का मतलब होता है रिटन साइन एंड डेटेड इंफॉर्मेशन बाई सब्जेक्ट। क्लियर, क्या हमने समझा? साइन रिटेन एंड डेटेड बाई सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा जो जिसमें सब्जेक्ट के साइन होंगे, ठीक है, रिटेन होगा, साइन होंगे और डेट पड़ी होगी, उसके साइन होंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ है, सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट का मतलब है जो पर्सन क्लिनिकल ट्रायल के या फिर क्लिनिकल रिसर्च में इन्वॉल्व हो चुका है, स्टडी में, जिसको एस से नंबर मिल जाएगा, मतलब जो आइडेंटिफिकेशन कोड है उसको एस से अलॉट किया जाएगा, तो उसको हम कंक्लूड करते हैं एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट अपने विलिंगनेस से मतलब रिटेन डेटेड एंड साइन कर देगा कि हम स्टडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं अपनी विलिंगनेस से। इस पे किसी का कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो, डेट डाल रहे हो, तो इट मींस आप उस टर्म एंड कंडीशन से बाकी वो मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ें, तभी अपना साइन करोगे आप। तो ऐसा जो होता है सब्जेक्ट, तो क्लिनिकल रिसर्च के केस में जब कोई स्टडी किसी सब्जेक्ट पे रन कराई जाती है, तो उसके पहले पूछा जाता है उससे और चीज़ें क्लियर की जाती हैं। आपको कितने दिन रहना है, कितना ब्लड सैंपल लेना है, कितना फूडिंग लेना है, कितना वाटर लेना है, मतलब ए टू जेड चीज़ें उसको पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उसका साइन लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्म्ड कंसेंट, इनफॉर्म कंसेंट वाया सब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया? इनफॉर्म कंसेंट समझ में आ गया और सब्जेक्ट भी समझ में आ गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।